कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल की क्लास में अपन ने साइंस में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को देखा था। उसमें से अपन ने एक टॉपिक लिया था लाइट। लाइट का मतलब बताया था वहां पर प्रकाश। लाइट का मतलब होता है प्रकाश है, तो इसके बारे में अपन ने कल की क्लास में देखा था प्रकाश किसे कहते हैं, उसके बाद में इसकी चाल कितनी होती है, प्रकाश को चलने के लिए कौन से माध्यम की आवश्यकता होती है, ये सभी अपन ने कल क्लास में डिस्कस कर लिया था। थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने देखा था कि प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, ये होगी अपनी बात। अब सेकंड देखा था अपन ने कि स्टडी ऑफ लाइट, सेकंड देखा था स्टडी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अध्ययन को अपन बोलते हैं ऑप्टिक्स, ये भी कल की क्लास में अपन ने बात की थी। प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहा जाता है, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। प्रकाश के अध्ययन को प्रकाशिकी कहा जाता है, स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, ये अपन ने कल की क्लास में देख लिया था। उसके बाद में अपन ने नेक्स्ट पॉइंट देखा था। नेक्स्ट पॉइंट में अपन ने देखा था कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमें किसी वस्तु को दिखाने में सहायता प्रदान करता है, उसे प्रकाश कहा था। इसकी डेफिनेशन देखी थी, ये ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तु को दिखाने में सहायता करता है। थर्ड पॉइंट अपन ने देखा था, इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी स्टडी हो गई। उसके बाद में अपन ने देखा था कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह निर्वात में भी चल सकता है। उसके बाद में प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। उसके बाद में अपन ने और भी कई सारी चीजें देखी थी, प्रकाश की चाल देखी थी। प्रकाश की चाल को अपन शीशे प्रदर्शित करते हैं, शीशे दर्शाते हैं, तो प्रकाश की चाल होती है 3×10^8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 मीटर पर सेकंड होती है। अब इसके बाद में अपन ने देखा था कि इस चाल को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था, तो एक साइंटिस्ट थे रोमर साइंटिस्ट ने इस चाल को ज्ञात किया था। कब किया था? सन 1676 ईस्वी में रोमर नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। देखो, प्रकाश सबसे अधिक गति किस में करता है? तो प्रकाश की सबसे अधिक गति होती है निर्वात में, सर्वाधिक चाल प्रकाश की निर्वात में होती है। प्रकाश की निर्वात में सर्वाधिक चाल होती है, उससे कम होती है आपकी निर्वात, निर्वात से हो गई आपकी गैस, गैस और गैस से कम होगी आपकी द्रव। सबसे ज्यादा होगी निर्वात में, उससे कम गैस में, उससे कम हो जाएगी आपकी द्रव, उससे कम हो जाएगी आपकी ठोस। ये होती है आपकी प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, उससे कम गैस में होती है, उससे कम द्रव में, उससे कम होती है ठोस में, सबसे कम। उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट तो अपन ने आज की क्लास में ये देखा कि सबसे अधिक चाल निर्वात में होती है, कितनी होती है वो अपन ने देख लिया, शीशे प्रदर्शित करते हैं इसे। फिर उसके बाद में साइंटिस्ट देख लिया किस वैज्ञानिक ने ज्ञात की थी। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे आज की क्लास में, उसके बाद में अपन ने समझा था कि जो आपका प्रकाश होता है वो एक रेखा में, सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गति करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन ने यहाँ पर एक लिया था सरफेस, इसे बोल देंगे अपन सरफेस, और सरफेस का हिंदी मतलब आप सभी को पता है, सारी दुनिया जानती है, सरफेस का मतलब होता है सतह। तो ये एक सतह हो गई, इसको सजा देते हैं अच्छे से सजा देते हैं इसको। अब देखो, सबसे पहले डेफिनेशन देखो, जो आपका किरण होती है, किरण किससे कहते हैं? देखो, किरण वह सरल रेखा होती है, किरण वह सरल रेखा होती है जो प्रकाश को सीधी रेखा के अनुदिश गति कराती है, प्रकाश को सीधी रेखा के अनुदिश यात्रा करवाती है, उसे अपन कहते हैं किरण। ये आपकी सरल रेखा हो गई। अब इसके अनुदिश प्रकाश यात्रा करता है, सीधी रेखा के अनुदिश प्रकाश यात्रा करता है या गति करता है, उसे अपन किरण कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है, ये हो गई आपकी प्रकाश की किरण। अब ये प्रकाश की किरण इस सतह की ओर आ रही है, अब जो ही इस सतह से ये टकराएगी तो ये हो जाएगी आपकी परावर्तित, ये परावर्तित होकर इधर मुड़ जाएगी। जब भी कोई किरण किसी सतह से टकराती है तो वो परावर्तित हो जाती है। अब ये किरण यूं आई और यूं गई, इसे कहा अपन ने कल की क्लास में भी देख लिया था इसको, तो इसे कहेंगे अपन आपतित किरण, इस किरण को बोल देंगे आपतित किरण। अब किरण तो अपन ने देख लिया कि एक सरल रेखा होती है जो प्रकाश को उस रेखा के अनुदिश गति करवाती है, यात्रा करवाती है।
आप डिस्क्रिन हो गया। अब इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं। इसकी इंग्लिश होती है इंसिडेंट्री रे, आपतित किरण, इंसिडेंट्री रे, आपतित किरण। अब ये हो गया, ये हो जाएगी आपकी, क्योंकि परावर्तित हुई है तो इसको नाम दे देंगे अपन परावर्तित किरण। इस किरण को नाम दे देंगे परावर्तित किरण। इसकी इंग्लिश भी देख लेते हैं, इसको इंग्लिश में बोल देंगे अपन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया आपकी परावर्तित किरण। अब बीच में आपने कल और देखा था, बीच में होता है आपका अभिलंब, अभिलंब, अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं अपन नॉर्मल। ये हो गया आपका अभिलंब, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन नॉर्मल। तो फाइनली आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं कि परावर्तित किरण क्या होती है, आपतित किरण क्या होती है, और जो इनके मध्य कोण बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं, तो वो देखेंगे आज की क्लास में। देखो, आपतित किरण जो किसी सतह से टकराई है, इस सतह से ये आपकी किरण आ रही है, टकरा रही है, तो इसे बोल देंगे अपन आपतित किरण। टकराने के बाद में जो किरण जा रही है परावर्तित होकर, उसे बोल दिया अपन ने परावर्तित किरण। अब अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य एक कोण बनता है, तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य एक कोण बनता है। ध्यान से समझना आराम से कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य एक कोण बनेगा, और फिर अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य एक कोण बनता है, उसे क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहले तो अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य एक कोण बनता है, जिसे अपन आई से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके बाद में अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य एक कोण बनता है, जिससे अपन आर से डिनोट करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि एक अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को आर से प्रदर्शित करते हैं, आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को अपन आई से डिनोट करते हैं। अब इनको अपन देखेंगे कि आई किसे कहते हैं, आर किसे कहते हैं, देख लेते हैं। देखो, आई होता है आपका इंसिडेंट, या फिर इसे ऐसे बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे बोल देंगे अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर आर हो जाएगा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब हो जाएगा आपका आपतन कोण, इसका मतलब तो हो जाएगा आपतन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब हो जाएगा अप, सॉरी परावर्तन कोण। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब हो जाएगा परावर्तन कोण। अपन ने देखा कि आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब आपतन कोण, तथा आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। अब ये कब बनते हैं, अभिलंब तथा, तो आई से डिनोट किया अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर से डिनोट किया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आई को अपन कैसे देखेंगे कि जो आपका नॉर्मल होता है और आपकी इंसिडेंट रे होता है, यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे आई से प्रदर्शित करते हैं, और उस कोण का नाम होता है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद में आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे होती है और नॉर्मल होता है, यानी कि अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे बोलते हैं अपन आर, आर से डिनोट करते हैं, और उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। अब इनकी डेफिनेशन भी ऐसे बन जाएगी, कोई आपसे पूछे कि आपतन कोण किससे कहते हैं, तो आप कैसे बोलोगे कि आपतित किरण तथा अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण किससे कहते हैं, ऐसे पूछे तो ऐसे भी अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। उसके बाद में एक जानकारी बोल लेते हैं कि आपका जो एंगल आई होता है वो इज इक्वल टू होता है एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अगर एंगल आई आपका 30 डिग्री है तो आपका एंगल आर भी 30 डिग्री ही होगा। एंगल आई और एंगल आर समान होते हैं, बराबर होते हैं। आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों समान होते हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो कुल मिलाकर अपन ने देखा आज की क्लास में आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन कोण किससे कहते हैं, और परावर्तन कोण किससे कहते हैं। आपतित किरण जो किसी सतह से टकराती है, परावर्तित किरण टकराने के फलस्वरूप जो मुड़कर जाती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में देखा अपन ने इंसिडेंट रे, इंसिडेंट्री रे।
परावर्तित किरण को देखा रिफ्लेक्टेड रे, अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं अपन नॉर्मल, या आपकी सतह हो गई सरफेस। उसके बाद में अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य कोण बना उसे बोला अपन ने आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद में अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बना उसे बोल दिया अपन ने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे बोल दिया अपन ने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य बनने वाले कोण को बोलते हैं अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन कोण। फिर देखा अपन ने एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं, समान होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आगे की जानकारी अपन अगली क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक एंड लव यू।